मंत्रा, मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे। थर्ड बीम का हमारा जो टॉपिक है वह है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द एच स्क्वायर फॉर ट्रेपेजोइडल सेक्शन। इसके पहले ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि थर्ड बीम से रिलेटेड हमारा जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन थे और जो हमारा रेक्टेंगुलर सेक्शन होता है उसके लिए हमारा एच स्क्वायर का क्या वैल्यू आता है, ये हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ कि भाई जैसे कि हमने फाइंड किया था रेक्टेंगुलर के लिए कि भाई ट्रेपेजॉइडल के लिए सेक्शन के लिए हमारा जो एच स्क्वायर का वैल्यू होगा वो क्या फाइंड होगा। जैसा कि आप फिगर देख रहे हैं, और फिगर की क्या करते हैं डायमेंशन को हम इंडिकेट करते हैं। ठीक है, मैंने मान लिया ये जो बेस है ऊपर का वो मैंने मान लिया बी वन है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, और ये जो नीचे का हमारा जो बेस है उसको मैंने मान लिया, सॉरी इसको बी टू मान लो, इसको बी टू मान लो ताकि इजी रहेगा, इसको मैंने मान लिया बी वन है। ठीक है, यहां तक कोई भी डाउट नहीं है। इसके बाद इसका कुछ हाइट होगा, जो हाइट है वो हमने क्या किया यहाँ पे डी से डिनोट किया हुआ है, ये हमने मान लिया डी। ओके, ये हमने डी से डिनोट किया हुआ है। अब जो इसका सेंट्रोडायल है जो हमारा काम कर रहा होगा वो कुछ इस तरीके से काम कर रहा होगा। ठीक है, इसको हम फाइंड करने के लिए हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे एक स्ट्रिप को भी हम कंसिडर कर रहे हैं। जो हमारी स्ट्रिप है यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमने स्ट्रिप को कंसिडर किया हुआ है। जो स्ट्रिप है वो इस सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, वाई की डिस्टेंस पे है। ठीक है, ये कितनी है, वाई की डिस्टेंस पे है। एक एक पॉइंट को आप ध्यान से देखिएगा ताकि डेरिवेशन इजिली समझ पाए। मोस्टली दोस्तों क्वेश्चन आता है इसका, न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आता है। और ये जो है इसका जो विड्थ है वो मैंने मान लिया डी आ रहा है सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, हम यहाँ पे क्या है, एक तरीके से हमारा कर्व है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ होगा। मैंने मान लिया भाई जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है लेंथ से हर एक का वो मैंने मान लिया इसकी डिस्टेंस, सपोज दैट यहाँ से मैंने इसका डिस्टेंस की बात करूँ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो मैंने कंसिडर किया हुआ है वो हमारा स्मॉल आ रहा है पहले। ठीक है, हर एक डिस्टेंस को ध्यान से देखना ताकि जब आप क्वेश्चन करेंगे तो इजिली आपको क्लियर होगा। और ये जो सेंटर वाली डिस्टेंस है उसको मैंने मान लिया आर है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया ये चीज। ठीक है, नेक्स्ट जो इनिशियल से डिस्टेंस हमारा है, ये हमारा जो इनिशियल बेस है यहां से यहां तक का जो हमारा डिस्टेंस है वो मैंने मान लिया आर वन है। और जो टॉप से जो हमारा टॉप का बेस है तो ये नीचे जो हमारा डिस्टेंस रहेगा पूरा उसको मैंने मान लिया आर टू है। जो हमारा टॉप से ये हमारा जो एक्सिस है कर्वेचर का वो मैंने मान लिया आर टू है। ओके, यहां तक हमने क्या किया, ये कंसिडर कर लिया ताकि हम जब आगे सोल्यूशन करें तो हम सोल्यूशन को क्या करें, इजिली फाइंड कर पाए। ठीक है, और ये जो हमने कंसिडर किया हुआ है इसको मैंने मान लिया ये क्या है, ये बी है यहां तक का पूरा डिस्टेंस जो हमने स्ट्रिप को कंसिडर किया इसका विड्थ। ठीक है, एक पॉइंट को हमने कंसिडर कर लिया है, लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हैं कि जैसे हमने B1 को कंसिडर किया हुआ है कि हमारा क्या है बेस विड्थ बार है, ये हमारा टॉप का विड्थ है। ठीक है, ये हमारी H है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देखते क्या है, फर्स्टली हमें फाइंड क्या करना होता है यहाँ पे एरिया। ठीक है, कि भाई एरिया क्या होगा, अगर हम इस ट्रेपेजॉइडल की बात करें एरिया तो होता क्या है, हमारा एरिया जनरली वन अपॉन टू, और जो हमारी बेस है यानी जो इनका बेस वन एंड बेस टू का प्लस, यानी हमारा कह रहा है कि बी वन प्लस बी टू, और इनटू हाइट होता है, जो हाइट को हमने डी से कंसिडर किया हुआ है, ये हो गया डी। ये इसका क्या आ गया, एरिया आ गया। ठीक है, जैसा कि हमने देखा है ये आ गया इसका एरिया। अब हम बात कर रहे हैं भाई इस जियोमेट्री से हमें यहाँ पे करना क्या है, इस स्ट्रिप की विड्थ को फाइंड करना है। ठीक है, तो जो हमारा इस जियोमेट्री से हमने क्या किया, इस बी को फाइंड किया, जो हमारा बी निकल के आएगा वह निकल के आएगा बी टू प्लस, ये हमारा जो बी टू है ये वाला बी टू, और ये बी वन माइनस बी टू। ठीक है, बी वन माइनस बी टू अपॉन डी एंड आर टू माइनस आर। ठीक है, ये हमने क्या किया, बी को फाइंड कर लिया, ये हमारा क्या पूरा आर टू है और ये हमारा क्या है आर है, तो हमने ये यहां से निकाल लिया भाई, हमें बी पता चल गया। अब हमें करना क्या है, इस जो स्ट्रिप को हमने कंसिडर किया है इस स्ट्रिप को निकाल दें, अगर इसका इंटीग्रेशन कर दें
तो पूरा हमें पता चल जाएगा। तो हमें फाइनली करना क्या है, हमें एरिया को फाइंड करना है, एरिया ऑफ स्ट्रिप को। किसको? एरिया ऑफ भाई हमारा स्ट्रिप क्या निकलेगा, तो एरिया कितना है हमारा, डीए है, और एरिया होता क्या है, बी इंटू डी और आर। अब बी की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है कितनी है हमारी, है बी टू प्लस बी वन माइनस बी टू, ये बी वन माइनस बी टू है अपॉन डी, और ये क्या है हमारा आर टू माइनस आर, और ये हमारा क्या है डी आर है। ओके, यहां तक हमने फाइंड कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमने सिर्फ स्ट्रिप की बात कर रहे थे, हमें चाहिए क्या, इस पूरे सेक्शन का चाहिए, इस ट्रेपेजॉइडल सेक्शन का। हम करें क्या, इसका इंटीग्रेशन लेंगे, बट हमें फाइंड क्या करना है, एच स्क्वायर को फाइंड करना है। अब देखो एच स्क्वायर का आपको फार्मूला पता है कि हमारा जनरल फार्मूला क्या होता है, आर क्यूब अपान ए, और यहाँ पे हमारा क्या होता है डी ए अपान आर प्लस वाई एंड आर स्क्वायर, यही हमारा होता है, ये हमारा क्या है एक जनरल हमारा फार्मूला एच स्क्वायर का। ठीक है, अब इस एच स्क्वायर को हमें फाइंड करना है, इसको ही हमें फाइंड करना है, आर क्यूब अपान ए, तो ठीक है भाई आर क्यूब हमारा ये आर हो गया, ए हमें क्या है इसका एरिया हो गया। अब ये डी ए अपॉन आर प्लस वाई कर रहा है, तो डी ए हमने फाइंड कर लिया है, यानी इस टर्म को हम पहले क्या करें अलग से सॉल्व कर लें, तो हमें मिल जाएगा कि भाई हमें क्या फाइनली फाइंड होगा। तो नेक्स्ट स्क्रीन पे देखते हैं हम, यहाँ पे जो हमें एक्चुअल में फाइंड करना है कि जो इंटीग्रेशन होगा हमारा वो डी ए अपॉन आर प्लस वाई क्या होगा। तो फिगर में देखो आप अगर, तो यहाँ पे जो लिमिट जो एग्जिस्ट करेगी वो आर टू और आर वन के बीच में एग्जिट करेगी। तो हमने लिख दिया यहाँ पे जो हमारी लिमिट एग्जिट कर रही है वो एग्जिट कर रही है आर टू और आर वन से, और हमारा जो एरिया निकल के आया था वो निकल के आएगा बी टू प्लस, यही हमने निकाला था बी वन माइनस बी टू अपॉन डी एंड आर टू माइनस आर। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, इसको ब्रैकेट क्लोज कर दो, यहाँ पे था डी आर अपॉन आर प्लस वाई। ओके, देखो आप ये जो हमारा आर प्लस वाई है, आर जो हमारा प्लस वाई है वो आर के बराबर है। फिगर देखो यहाँ पे, ये देखो, ये अब देखो ये हमारा क्या है आर है और ये क्या है वाई है, यही तो आर के बराबर है, दिख रहा है आपको। तो हम कह सकते हैं जो हमारा आर है वो आर प्लस वाई के बराबर है, यही हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, ये हमने पुट किया यहाँ पे, तो इसको सॉल्व करते हैं स्टेप बाई स्टेप, थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा लॉन्ग है दोस्तों। आर टू एंड आर वन, और यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, इसको अलग अलग कर लेते हैं, आर पुट कर लेंगे, हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा बी टू एंड डी आर अपन आर आ जाएगा, क्योंकि इसको आर मान लिया है। ठीक है, और ये प्लस अब क्या है हमारा बी वन माइनस बी टू, बी वन माइनस बी टू अपॉन डी, क्योंकि ये डी का टर्म है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है आर टू माइनस आर, और ये हमारा हो गया डी आर अपॉन आर। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं फिर से, यहाँ पे क्या है हमारा आर टू है और यहाँ पे क्या है आर वन है, और यहाँ पे क्या है डी टू डी आर अपॉन आर प्लस, इसको भी अलग अलग कर देते हैं थोड़ा सा इंटीग्रेशन से, आर वन और ये हमारा हो गया आर टू, ये क्या है हमारा बी वन माइनस बी टू अपॉन डी और ये आर टू, इसको हमने क्या किया मल्टीपल कर दिया, हम लिख सकते हैं डी आर अपॉन आर क्योंकि ये दोनों में है। ठीक है, ये माइनस का साइन हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा आर वन आर टू, और हमारा क्या हो जाएगा बी वन माइनस बी टू अपॉन डी, और ये हमारा ब्रैकेट क्लोज, ये हमारा आर है आर एंड डी आर अपॉन आर। ठीक है, एक एक स्टेप को सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बी टू हमारा एक तरीके से कॉन्स्टेंट टर्म है, कॉन्स्टेंट। अब डी आर अपॉन आर का इंटीग्रेशन करते हैं, हमारा क्या आता है लॉग आता है, हमने मान लिया भाई लॉग आर आया, और ये जो लिमिट एग्जिट कर रही है वो कितनी है आर टू एंड आर वन है प्लस, अब ये बी वन माइनस बी टू अपॉन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, और ये हमारा आर टू एज इट इज रहेगा, यहाँ पे डी आर अपॉन आर है, तो कहने का मतलब लॉग हो जाएगा कितना आर टू एंड आर वन, माइनस का साइन लगाया हमने। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे भी सेम क्या होगा हमारा बी वन माइनस बी टू अपॉन डी, और यहाँ पे देखो ये आर और ये आर कैंसिल हो गया, यानी वन बचा, अब वन का इंटीग्रेशन भी क्या होता है आर आता है, तो आर हम लिख सकते हैं आर टू एंड आर वन। ओके, अब क्या करते हैं, ये जो लिमिट है उसको हम क्या करेंगे यूज करेंगे, तो बी टू होगा, और ये लॉग क्या होगा
आर टू और आर वन के रिस्पेक्ट में जाएगा, तो हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं आर टू अपॉन आर वन, क्योंकि माइनस के लॉग में जाएगा, ये हमारा हो गया प्लस। इसी तरीके से बी वन माइनस बी टू अपॉन डी, और ये भी कितना हमारा है आर टू, आर टू, और ये हमारा हो जाएगा लॉग आर टू अपॉन आर वन माइनस। ठीक है, अब इसे हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे बी वन माइनस बी टू एंड डी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आर टू माइनस आर वन। ओके, क्योंकि आर है, जब हम लिमिट को यूज करेंगे तो इस तरीके से हमारा मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं इसको, हमारा क्या हो गया बी टू, और ये हमारा हो गया लॉग आर टू अपॉन आर वन प्लस बी वन माइनस बी टू अपॉन डी, और ये हमारा हो गया आर टू लॉग आर टू अपॉन आर वन माइनस। और एक चीज देखो, यहाँ पे जो आर टू माइनस आर वन है, ये फिगर देखना फिर से आप, देखो ये हमारा क्या आर टू है, ठीक है, और ये हमारा आर वन है। अगर हम दोनों को डिफरेंस देखें तो हमारा डी के बराबर है ना ये। देखो हम लिख सकते हैं कि भाई आर टू माइनस आर वन क्या है, डी के बराबर है। देखो इस फिगर से, तो यहाँ पे इसको यूज करते हैं, ठीक है, हम यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, और ये डी से डी कैंसिल हो जाएगा, यानी ये दोनों कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि भाई बी वन माइनस बी टू बचेगा। नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं हमारा क्या मिलेगा, तो यहाँ पे देखो ये हमारा आर टू है, यहाँ पे भी है, यानी यहाँ पे से कॉमन ले सकते हैं हम। तो हमने क्या किया भाई, लॉग आर टू अपॉन आर वन क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। जब कॉमन लेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या बचेगा, बी टू बचेगा प्लस बी वन माइनस बी टू अपॉन डी बचेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा आर टू हो जाएगा, और ये माइनस बी वन माइनस बी टू हो जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, आप समझ गए, यानी कहने का मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, डी ए अपान आर प्लस वाई को फाइंड कर लिया है। ठीक है, अब देखो एक्चुअल हमारा फॉर्मूला क्या था जो मैंने निकाला था, ये वाला देखो, एक्चुअल तुम्हारा फॉर्मूला ये है, यानी ये वाली वैल्यू को हमने क्या किया, फाइंड कर लिया है, और चीज तो हमें पता है। तुम क्या करते हैं, फाइनली फॉर्मूले को रखते हैं, देखते हमारा क्या मिलेगा। ठीक है, तुम्हारा फॉर्मूला क्या था यहाँ पे, फाइनली जो एच स्क्वायर था, जो हमारा एच स्क्वायर का हमारा जो फॉर्मूला यहाँ पे था, वह था आर क्यूब अपान ए इंटीग्रेशन डी ए अपान आर प्लस वाई एंड माइनस आर स्क्वायर। और अब हमारा क्या फॉर्मूला फाइनली जो निकल के आया, आर क्यूब अपान ए, और इंटीग्रेशन को हमने क्या फाइंड किया, देखो इंटीग्रेशन को, यही तो हमारा इंटीग्रेशन मिला है, इसको हम क्या करते हैं वहां पे पुट करते हैं। तो हम पुट करेंगे तो हमने क्या फाइंड किया, यहाँ पे फाइंड किया लॉग आर टू अपान आर वन, ठीक है, और क्या यहाँ पे है बी टू प्लस बी वन माइनस बी टू अपॉन डी, और ये हमारा आर टू एंड माइनस बी वन माइनस बी टू, ये हमारा क्या है ब्रैकेट पे है, और यहाँ पे क्या है माइनस आर स्क्वायर। और यही दोस्तों होता है हमारा एच स्क्वायर का फॉर्मूला फॉर ट्रेपेजोइडल सेक्शन के लिए। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको मेनली जरूर याद रखना है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है आपके न्यूमेरिकल में बहुत यूज होगा, और ये जो न्यूमेरिकल आपका पूछा जाता है दोस्तों, वो 10 नंबर में एके टीयू में आता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो एक सेक्शन हमारा और बचता है यहाँ पे, जो हमारा यहाँ सिलेबस में है, सर्कुलर सेक्शन के लिए। ठीक है, कि हमारा सर्कुलर सेक्शन के लिए हमारा क्या होगा। ठीक है, अगर हम सर्कुलर सेक्शन की बात करें तो आप डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पे याद कर सकते हैं, डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप फार्मूला भी याद कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जनरली न्यूमेरिकल पूछा जाता है और ये फार्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो एच स्क्वायर इक्वल टू, जहाँ फार्मूला हमारा क्या होता है, डी स्क्वायर अपॉन 16 प्लस 1 अपॉन 8 इंटू डी की पावर 4 एंड 16 आर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। ये दोस्तों हमारा फार्मूला होता है किसके लिए, ये हमारा होता है सर्कुलर सेक्शन के लिए। ठीक है, ये दोनों फार्मूले आपको जरूर याद रखने हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों फार्मूले, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा लास्ट यूनिट बचता है वहां से न्यूमेरिकल पूछा जाता है अक्सर। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज दोस्तों लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें, नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। थैंक यू।